बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनरल स्टडी नोट बाय मिस्टर जहूर इलाही, सीएसपी ऑफिसर। ठीक है, ये टीचर जो के पढ़ा भी रहे हैं ऑलरेडी जनरल स्टडी, ठीक है, जो उनके अपने नोट्स हैं, ठीक है, उनसे लिए गए थे जनरल स्टडी नोट। जो स्टूडेंट जिन्होंने जनरल स्टडी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा हुआ है, जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लाइक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, और साथ ही लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो के बारे में अपडेट मिल सके। तो इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में भी जो कि 2021 के गैस पेपर भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें जो सीएसएस कर रहे हैं और जो जो भी इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल स्टडी के नोट मिस्टर जहूर इलाही जिन्होंने खुद तैयार किए थे, उन्होंने, ठीक है, सीएसपी ऑफिसर है, ठीक है, वो तो आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी के बारे में। जी, तो सबसे पहले उन्होंने अपना बनाया हुआ है कि चैप्टर नेम, ठीक है, चैप्टर नेम, ठीक है, चैप्टर नेम लिखा हुआ है और इसके 3 पेज है। चैप्टर नंबर 2 है, इसके 6 पेज है। चैप्टर नंबर 3 है, इसके 10 पेजेज हैं। चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 15 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है 21 पे। चैप्टर नंबर 6 है 30 पे। चैप्टर नंबर 7 है 37 पे। मतलब टॉपिक वाइज बेस इन्होंने बनाया हुआ, टोटल इन्होंने 9 चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर वन अगर आपको इधर थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा तो मैं आपको इसका गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, ईजीली, क्योंकि ये थोड़े से पिक्सल फट रहे हैं, ठीक है। ये मेरी कदम अब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा जी। इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडी, सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर स्टडी, जेंडर स्टडी क्या चीज़ है, ठीक है। जेंडर स्टडी जेंडर रोल, ठीक है, जेंडर डिफरेंस, ठीक है, इंटर और इंट्रा डिफरेंस, ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने डिटेल में लिखा है। इंट्रा डिफरेंस, ठीक है, ये लिखा हुआ है इंट्रा डिफरेंस, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इंट्रा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, जेंडर का सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है, सेक्स और उसके बाद जेंडर, ठीक है। एक बायोलॉजिकल है, वो कल्चरल है, ठीक है, एक नेचुरल है, वो सोशल कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, यूनिवर्सल है, वो चेंजेस है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि प्लेसेस आर वो आर फिजिकली बॉडी, प्लेसेस आर वो आर, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन, जेंडर स्टडी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, वुमेन स्टडी, उसके बाद जेंडर स्टडी में डिफरेंस लिखा हुआ है। उसके बाद, ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने आपके लिए लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर सा, ठीक है। आपने परेशानी होना, ब्लर नज़र आ रहा है तो आपने कमेंट करें, ठीक है, आपको इंशाल्लाह इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। आपने परेशान इस तरह ये देखिए, आज उन्होंने टॉपिक वाइज लिखा हुआ है और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखे हुए ताकि आपको इस समझने में थोड़ा सा ईजी हो। उसके बाद चैप्टर 1 वो का एक टॉपिक था, वो कंप्लीट होगा। उसके बाद चैप्टर 2 है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ठीक है। उसके बाद सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में लिखा हुआ क्या हिस्टोरिकल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद उन्होंने मीडिया, लैंग्वेज, ठीक है, जेंडर, जेंडर एंड जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा जेंडर, जेंडर आइडेंटिटी, सोसाइटी, मीडिया, लैंग्वेज, ठीक है। मतलब जैसे आप कुछ जो लोग जेंडर स्टडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए ऑलरेडी ईजी होगा, ठीक है। तो आज के ये आपको मैं दिखा रहा हूँ जेंडर स्टडी के नोट। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 शुरू हो जाता है, व्हाट इज़ द फेमिनिज्म, ठीक है, जो फेमिनिज्म आ जाएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में ये सारा उसके बारे में है, क्रिटिसिज्म है, ठीक है, क्रिटिसिज्म। उसके बाद ये ऐसा ऐसा चलता रहेगा। जब चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है, वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है, वेव ऑफ फेमिनिज्म जो कि चैप्टर नंबर 4 है वो आपका चलता रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा, जेंडर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जेंडर की और उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, जो उसके बारे में तफसील से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 6, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 का स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, के वुमेन का स्टेटस पाकिस्तान में क्या है, ठीक है, ये उसके बारे में इन्होंने कम्प्लीट तौर पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। परेशानी होना आपको, ये मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक साथ लगा लूँगा, ठीक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ये आसा था, ठीक है, चैप्टर 8, उसके बाद चैप्टर 9 आ जाएगा जी, केस स्टडी, ठीक है,
उसके बाद ये सारे नोट्स इस तरह अब चलते जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नोवा एकेडमी उसी ऐसा टाइम और जहांगीरबल टाइम के जो नोट्स होंगे वो भी अपलोड किए जाएंगे, वो भी सीएसपी ऑफिसर होंगे जिनके हम नोट्स को अपलोड करेंगे। इस तरह ये हमारे जो सीएसपी ऑफिसर हैं जिन्होंने अपना सीएसएस क्लियर किया और उन लगे हैं सीएसपी, ठीक है, मिस्टर जहूर इलाही जी, उनके नोट्स हैं अंडर स्टडी के, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी उनके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। हमारे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।